भारत ही नहीं विदेशों में भी मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाने वाली फ्रीडा पिंटो आज 33वां जन्मदिन मना रही हैं। आज हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आपको नहीं पता होंगे। फ्रीडा पिंटो ने बहुत कम वक्त में मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में बड़ा नाम हासिल किया है। उनकी पहली फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर थी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता। फ्रीडा पिंटो शुरुआत में एक्टर नहीं बनना चाहती थी। फ्रीडा ने उनकी मां के कहने पर मॉडलिंग शुरू की और आज वे भारत ही नहीं विदेशों में भी जाना पहचाना नाम है। फ्रीडा का जन्म 18 अक्टूबर 1984 को मुंबई के कस्बे मैंगलोर में हुआ। उनका परिवार मैंगलोरियन कैथोलिक मूल का है और एक इंटरव्यू में पिंटो ने कहा है कि वे पूरी तरह से शुद्ध भारतीय हैं, लेकिन उनका परिवार कैथोलिक है। फिल्मों में डेब्यू से पहले फ्रीडा पिंटो ने 4 साल तक मॉडलिंग की। उन्होंने एक अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल शो के लिए एंकरिंग का काम किया। इसके अलावा पिंटो ने च्युइंग गम, स्कोडा, वोडाफोन भारत, एयरटेल जैसे जाने माने उत्पादनों के लिए टीवी और प्रिंट विज्ञापनों में भी काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रीडा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न रूपों के साथ साथ सालसा में भी प्रशिक्षित हैं। वह इस समय बॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री है। इसके बाद फ्रीडा को मां ने ही सलाह दी कि उसे लोगों को मनोरंजन करना अच्छा लगता है, इसीलिए मनोरंजन क्षेत्र में काम करना चाहिए। इसके बाद फ्रीडा ने मॉडलिंग शुरू की। डार्लिंग से पहले फ्रीडा ने एक अमेरिकी कार्टून कैरेक्टर लाला का भी किरदार निभाया।